तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी, खबर दिन भर हर। अभी हम खड़े हैं सिल्ली प्रखंड के सिल्ली प्रखंड मुख्यालय में, जहां पर आज प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव होने वाला है। और ये प्रक्रिया 11 बजे शुरू होने वाली थी, लेकिन अभी 11:15 बज चुके हैं, लेकिन अभी पदाधिकारी जो रांची से आने वाले हैं वो नहीं आए हैं। इस कारण अभी काम रुका हुआ है और चुनाव की प्रक्रिया रुका हुआ है। और आपको मैं बता दूँ, चुनाव प्रक्रिया रुका हुआ है, अभी थोड़ी देर के बाद ही चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी और प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव यहाँ पर चालू होने वाला है। इसके बाद हम दिखाएंगे कि कौन बना प्रमुख और उप प्रमुख सिल्ली विधानसभा क्षेत्र सिल्ली में। आप देख सकते हैं कि आज प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव होने वाला है, और यहाँ पर दो दिग्गज जो हैं, एक आसू पार्टी से जुड़े हुए हैं और एक जेएमएम पार्टी से, और दोनों चाय का चुस्की लेते हुए गुप्तगु करते हुए नजर आए हैं आज इस ब्लॉक परिसर में। तो क्या लगता है आज प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव होने वाला है? जी बहुत बढ़िया, खुशी की बात है, यहाँ जो चुनाव होगा विकास के लिए आज वोटिंग होगा। आपको क्या लगता है आज जो चुनाव हो रहा है, जो लोग अभी चुन कर आएंगे, क्या वो विकास का कार्य करेंगे? एकदम विकास का कार्य करेंगे, और हम लोग चाह रहे हैं कि निर्विरोध चुनाव हो, इसलिए हम लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं कि निर्विरोध चुनाव। आपको लगता है कि निर्विरोध ही होगा? कोई एकदम निर्विरोध एकदम। तो आपने देखा कि यहाँ पर गुफ्तगु करते हुए नजर आए थे जेएमएम के नेता, दिग्गज नेता, और आसू के से जुड़े हुए हैं नेता, वो तो इनका कहना है कि निर्विरोध यहाँ पर चुनाव प्रक्रिया होना है। तो अब देखते हैं कि जब चुनाव अगर होता है तो चुनाव में निर्विरोध को जीत कर आते हैं या फिर चुनाव होता है। अभी हम खड़े हैं सिल्ली प्रखंड के प्रखंड कार्यालय में, जहाँ पर उप प्रमुख और प्रमुख का चुनाव होने वाला है, लेकिन 11 बजे ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, लेकिन अभी तक अधिकारी नहीं आए हैं, जिसके कारण अभी का रुका हुआ है यहाँ पर चुनाव प्रक्रिया। और जैसे ही वो आती है यहाँ पर प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर प्रमुख और उप प्रमुख का दावेदार कौन है इसमें पता चल जाएगा, और जल्द ही इसका खुलासा होगा कि कौन जीत रहे हैं प्रमुख पद पर और कौन बन रहे हैं उप प्रमुख।